चलिए। गुड मॉर्निंग, आप सभी आज देयर के प्रयोग को सीखेंगे। देयर का मतलब जनरली वहाँ होता है तब जब स्थान के लिए बताते हैं, परंतु जब वाक्य के शुरू में THERE देयर आता है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? इंट्रोडक्टरी देयर है, तो जब भी वाक्य में किसी संज्ञा को निश्चित करते हैं, दर्शाते हैं, परंतु उस वाक्य में यह, वह, ये, वे कुछ नहीं लगा हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। शुरू माने वाले इसी देयर को इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। डियर मीनिंग कुछ नहीं है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत है, खास करके बोलचाल में या लिखने में, किसी स्थान का वर्णन करने में इसका बड़ा महत्व है। जैसे मैं कहता हूं कुछ कमरा में एक पंखा है, ते फैन इज इन डैट रूम नहीं कह सकते, देयर शुरू में लगाना पड़ेगा, देयर इज अ फैन इन डैट रूम। एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल। सड़क पर एक लड़की है, स्थान लास्ट में, देयर इज ए गर्ल ऑन द रोड। वहाँ एक लड़का है, देयर इज ए बॉय देयर। प्रीपोजिशन जब आता है तो बीच में देयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे बॉय देयर इन द क्लास, लेकिन अक्सर देयर शुरू में आता है और इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। आइए हम प्रारंभ में आने वाले देयर का प्रयोग सीखें। आज हम लोग 17 पर चले भी गए हैं और चारों फॉर्म में बोलना है मेरे बंधु। जब भी जैसे कहेंगे एक पंखा है, देयर इज अ फैन, अब नोट लगा देंगे एक पंखा नहीं है, देयर इज नो फैन, या देयर इज नॉट अ फैन, इधर फैन इधर नो फैन, इस तरह से मेरे बच्चे धराधर लिखना बोलना है चारों फॉर्म में। तो जब भी वाक्य में कोई संज्ञा हो और उस वाक्य में हैं या था थे थी से वह नाउन जुड़ा हुआ हो, परंतु उसके पहले यह हुआ है ये वे नहीं लगा हो, तो उसका अनुवाद करने के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं और ऐसे वाक्य में आने वाले उस देयर को ही इंट्रोडक्टरी देयर यानी शुरू में आने वाला देयर कहते हैं, जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। जैसे देयर इज आवाज है, के लिए इज था थी में आवाज, लेकिन नाउन एक वचन है, अ प्लस प्लेस। तो जब भी नाउन एक वचन हो, एक वचन संज्ञा को दर्शाना हो, तो हम लोग है ना इज आवाज लगाते हैं। यहाँ पर नाउन सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन, यहां भी सिंगुलर नाउन, और यहां पर नाउन क्या होगा? प्लुरल, बहुवचन। तो जब भी प्लुरल नाउन हो तो हम लोग आर या वेयर लगाएंगे, और जब भी एक वचन नाउन आगे हो तो इज आवाज यानी इज लगाएंगे है वाले में और था वाले में आवाज, है वाले बहुवचन में आ, अथे या थी वाले में वर। अब जैसे एक वाक्य ले लो, एक कलम है, देयर इज अ पेन, एक ही कलम है ना, कलमें हैं, देयर आर पेन्स। अब हम लेके एक कलम थी, देयर वाज अ पेन, कलमें थी, देयर वर पेन्स। इस तरह से हम लोग चार फॉर्म वाक बनाएंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव करते हुए पहले के कर सिखाए हैं। पहले वाक्यों को देखो, तब चार फॉर्म में हम लोग लेंगे, है ना, सिंगुलर प्लुरल तो हुआ ही, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हम लोग सीख सकते हैं। अब एक कलम है, तो एक कलम है, कोई स्थान नहीं है, देयर से शुरू करो, देयर है इज अ पेन। अब एक कलम थी तो वाज हो जाता, कलमें हैं तो दिया आ पेंस, बहुवचन है तो बहुवचन। एक गाय है, दिया इज अ काउ, ओके। एक कलम थी, देयर वॉज अ पेन। अब कलमें थी, देयर वर पेंस, यहां बहुवचन है। अब वहां एक बैल था, देयर वॉज, एक ही बैल था, एन ऑक्स। अब फिर है वहां शुरू में वह स्थान के लिए आया तो देयर दे देंगे, तो जब तक स्थान के लिए वहां नहीं आए तब तक लास्ट में देयर नहीं लगाएंगे, शुरू वाले देयर का कोई मीनिंग नहीं है। अतः दो दो देयर देखकर घबरा मत जाना डियर, है ना। सड़क पर कीचड़ था, अब सड़क पर कीचड़ था तो कोई टेंशन कहाँ,
देयर वॉज कीचड़ का मड, क्या होगा मड, मुडने पर लेना। अब स्थान लास्ट में सड़क पर, ऑन द रोड। अतः स्थान प्लेस जो है, प्लेस लिखा, प्लेस प्लेस नहीं लिख देना है, स्थान रहेगा देंगे, लास्ट में नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। जैसे कश्मीर में बर्फ था, देयर वॉज स्नो इन कश्मीर, आपके पॉकेट में तीन कलमें हैं, देयर आर थ्री फैंस इन योर पॉकेट, इस कमरा में 25 पंखे हैं, देयर आर 25 फैंस इन दिस रूम। तेरे घर के पीछे एक मंदिर था, देयर वॉज अ टेम्पल बिहाइंड योर हाउस, तेरे घर के सामने एक भूतहा पेड़ है, देयर इज अ हॉन्टेड ट्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। कहीं स्थान हो, प्रीपोजिशन लगा कर स्थान हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए चिंता नहीं है, पहले देयर दो, तब इज वाज आर वेयर सिंगुलर प्लुरल और प्रेजेंट पास्ट को देखते हुए, फिर नाउन एकवचन बहुवचन जैसा खाएगा दो, स्थान लास्ट में। अब हम लोग देखते हैं मेरे बच्चे, यदि निगेटिव बनाना हो तो देयर वाज नो मड ऑन द रोड, वाज देयर मड ऑन द रोड, वाज देयर नो मड ऑन द रोड, नाउन है तो नो के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आर्टिकल लगाते हैं तो नॉट भी हम लगा सकते हैं। आई हैव नो पेन, मतलब मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नॉट ए पेन, नहीं नो का ज़्यादा प्रयोग होता है बिना आर्टिकल में, ठीक ना। आ गया, अब इसी का एक बड़ा भाई है, ये छोटा भाई था, तो अब बड़ा भाई में क्या करेंगे, जब एक ही स्थान पर किसी एक ही नाउन के होने का आभास करवावें तो उस नाउन पर में जोर मारते हैं, निश्चित रूप से देर से ही शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पानी ही पानी है, इट मीन्स पानी के सिवा और कुछ नहीं है, वहाँ पौधा ही पौधा है, इन पौधा के अलावा कुछ नहीं है, उस कमरा में लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ के सिवा कुछ नहीं है, आपके पास पैसे ही पैसे, पैसे के सिवा कुछ हो नहीं है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग देयर लगाएंगे ही, और इज है वाले में इज, था वाले में वाज, नथिंग बट, नथिंग बट के साथ नाउन चाहे वो अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर, काउंटेबल हो तो प्लुरल, ये भाव हमेशा एक वचन में होता है, ध्यान रखना है। तो जब भी हम लगाएंगे एक ही संज्ञा को दर्शाएंगे, ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी स्थान पर एक ही संज्ञा होने का बोध हो एवं उस वाक्य के अंत में है था दिया हो, तो अनुवाद करेंगे इस नियम से, देयर प्लस इज है वाले में, वा था थी वाले में, नथिंग बट प्लस नाउन प्लस प्लेस स्थान लास्ट में। अब वहां पानी ही पानी है, देखो डियर, पहले देयर है इज नथिंग बट, हिंदी में दो बार है पानी ही पानी, इंग्लिश में एक ही बार, चूंकि नथिंग बट लग गया वाटर। अब वहां है, वहां के लिए हम लोग क्या करेंगे, देयर। अब कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है, देयर इज नथिंग बट स्नो इन कश्मीर, यहां बालू ही बालू थी, अब थी है तो घबराना नहीं है ना, देयर वाज कर देंगे, लेकिन नथिंग बट, अब बालू का होता है सैंड। अब यहां आ गया शुरू में स्थान, यहां कश्मीर में था वहां था, स्थान लास्ट में, तो क्या होगा यहां के लिए, हियर। इस तरह से इसका निगेटिव हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि नथिंग बट लगा हुआ है, हाँ इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, सिर्फ इज को पहले कर दो, वाज को पहले कर दो, क्या यहाँ बालू ही बालू है, ए देयर नथिंग बट सैंड हियर, क्या वहाँ धूल ही धूल था, वहाँ देयर नथिंग बट डस्ट दियर, इसलिए इज आर एम वाज को कर लोगे शुरू में, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, निगेटिव खुद ही लगा हुआ है, अतः डबल निगेटिव नहीं बनावें। आगे चले मेरे बच्चों, ये बात कहीं भूल ना जाओ, इसलिए हम लोगों ने ध्यान देने के लिए लिखा नोट, क्लासरूम का है ना, तो ध्यान दें कि वाक्यों में नथिंग बट आया है, इसलिए ऐसे वाक्यों में काउंटेबल नाउन बहुवचन इन प्लुरल में, परंतु अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रूप में होते हैं, नहीं भाव हमेशा नथिंग बट के साथ सिंगुलर ही होता है, निगेटिव वाक है, अतः इसमें नो या नॉट लगाकर कभी पुनः निगेटिव बनाने की कोशिश ना करें, पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरे निर्देश दिए गए हैं, तब गलती क्यों। एकदम क्लास की तरह समझाते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स थोड़ा क्लास में ज़्यादा होता है क्योंकि पेज मिलते हैं बनाने के लिए, और समझाई तो जाती है कम, बच्चे खुद बनावें इसके लिए पीडीएफ की व्यवस्था है, नोट्स की व्यवस्था है क्लास में या
बाहर भी आप ले सकते हैं काउंटर से कोई भी आकर के, कहीं कोई मनाही नहीं है। डर खत्म करो, नैरो माइंड हम लोग नहीं हैं, हम लोग थिंक बिग में विश्वास करते हैं, बड़ा सोचो, थिंक फॉर ऑल, सबके लिए सोचो। इसलिए व्यापकता जहां होगी समृद्धि वहां होगी। संकुचित नैरो माइंडेड लोग जो होंगे संकुचित मन के, वो सिकुड़ जाते हैं, हम लोग फैला हुआ रहते हैं, उदार हैं। हाँ, संस्था चलाने के लिए एक फी होती है, फी के अलावे कोई कष्ट नहीं देता है हम लोग। आओ तो इंट्रोगेटिव इसका हम पुनः बना सकते हैं, जैसे इज या आवाज को पहले कर दिए, दियर सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टिव दियर है, नथिंग बट लगा दिए, नाउन चाहे वो अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर, अकाउंटेबल हो तो प्लुरल देंगे, स्थान लास्ट में, जैसे एक दो हम बना देता है। जैसे क्या, अब क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना, जो भी क्या से शुरू वाक होती है उसमें सहायक क्रिया पहले, तो है वाले है ना, इज दियर नथिंग बट वाटर। अब वहां है, वहां स्थान लास्ट में देना, इंट्रोगेटिव हम बना सकते हैं। क्या वहां बालू ही बालू थी, अरे है, अरे थी है, तो वाज देयर नथिंग बट बालू, सैंड, और वहां के लिए देयर। ऐसे वाक्यों में चारों ओर लगा हो तो ऑल अराउंड दे देना है। जैसे मैं कहूंगा चारों ओर पानी ही पानी है, तो देयर इज नथिंग बट वाटर, अवस्थान की जगह ऑल अराउंड आ रहेगा कि कोलकाता में चारों ओर पानी ही पानी, डबल स्थान है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नथिंग बट वाटर ऑल अराउंड इन कोलकाता, घबराना नहीं है मेरे बच्चे। तो ऑल अराउंड लगाएंगे, ऑल अराउंड लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे गुरु जी, हो न शुरू जी, हम तुरंत बताता है जी, चारों ओर पानी ही पानी है तो घबराओ मत, देयर इज नथिंग बट वाटर। अब केवल चारों ओर बच गया शुरू में, ऑल अराउंड लगा देना है, चारों ओर धूल ही धूल है तो देयर इज नथिंग बट डस्ट, माने धूल ऑल अराउंड। मेरे बच्चों प्रैक्टिस सेट लेकर के काउंटर से बना सकते हो या पीडीएफ डाउनलोड करके, बहुत सारे वाक्य हैं उसको बनाओ, तब पकड़ बनेगी, वर्ड्स चेंज होगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, बराबर लिखना और बोलना है तो कमांड हो जाएगा। विदाउट स्ट्रक्चर भाषा पर पकड़ नहीं बनेगी, केवल टेंस से काम नहीं चलेगा, टेंसेस भी बीच में धुलवाएंगे, टेंस को धोलो और फिर स्ट्रक्चर को धोलो, अब तब प्रैक्टिस पर उतर जाओ, स्पोकन क्लियर। यदि स्ट्रक्चर्स नहीं है, वर्ड्स नहीं है, तो गुड मॉर्निंग गुड बाय केवल इंग्लिश नहीं है, वो तो मैनर्स है। अतः धीरे धीरे पढ़ना है, पढ़ जाना है, हद से गुजर जाना है, सीख जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं ये तो निर्देश है, जो पूर्ण क्लास करना चाहते हैं तो ऐप पर भी चलती है, उसे क्लासरूम की सुविधा तो है ही। यूट्यूब पर में हमने निःशुल्क क्लास देना शुरू किया, यूट्यूब जुड़ करके धीरे धीरे उस पर भी कमांड कर सकते हो। यूट्यूब पर में ए कुमार सर को सर्च करो, देखते रहो, जुड़े रहो, लेकिन सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, हम बहुत चीज देते हैं, देते रहेंगे। अब धीमी गति में कम डेटा खर्च हो यह उपाय लगाया गया है, और पढ़ाते हुए बनवाते रहेंगे, उसके आंसर शीट भी प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपकी परिपक्वता हो। बेस्ट ऑफ लक एंड यूट्यूब से जुड़े रहें, ए कुमार सर समस्तीपुर को सर्च करके, या सीधे ए कुमार सर समस्तीपुर, या फिर ए कुमार सर, ए कुमार इंग्लिश टीचर, कुछ भी करोगे हम निकलेंगे। और आराम से मेरे को बार बार देखना, एक बार नहीं समझा दो बार तीन बार। लाइव में सिर्फ नाम बोलने से क्या आपकी छुट्टी होगी, नाम कितने बार बोलकर समय नुकसान करेंगे, डेटा बचाओ। फिर हम लाइव में क्वेश्चन क्विज लाते हैं, वो समय जवाब दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा, करते हैं बाय, फिर मिलेंगे। ओके, गुड लक मेरे बंधु, बाय बाय, सी यू।
See you.